हमें लगता है कि हमें रोडों पे आना पड़ेगा। बीवी बच्चे लेके क्यों भूख का शिकार बने हैं, ये मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं कुछ भी कर सकता। मैडम जी वो दिन याद रखो जो जहाँ दर दर की ठोकरें आप खा रहे थे, 18 साल आपने इलाके में घूम घूम के, जहाँ 2000 वोट आपने लिए थे वहाँ हमने आपको 8000 लीड दी और हमने लोगों से मिन्नतें की, हमने अपनी पार्टी को छोड़ के आपको वोट दिया। आपको वो दिन याद रहना चाहिए जहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे थे आप, आपको सीधी बात कोई नहीं करता था, सलाम नहीं करता था कोई। आज आप कुर्सी पे बैठ के आपकी आंखें जो हैं चेंज हो गई हैं और हमें 32 लोगों का रोज़गार जो आपने छीना वो आपने छीना मैडम जी ने। अब हमारा जो आज का एहतजाज खामोश एहतजाज है, हम चाहते हैं कि ये खबर जो है हमारी एलजी तक पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी साहब रामबन वाले हैं उन तक पहुंचे। और हमें बहुत अफसोस है कि मैडम शमशाद शान का कि उनने बताया था हम लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार के बजाय उन्होंने लोगों को बेरोज़गार बना दिया, क्योंकि उनने 32 लोग जो कंपनी में लगे हुए थे उनको फाइनल करवाया। और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं कि 10 दिन तक अगर हमारी जो 32 लोग कंपनी से निकाले हैं उनका अगर इनने हल कुछ निकाला नहीं तो हम रोड पे एहतजाज करने को तैयार हैं। तो 20 मार्च को हमारा एक पब्लिक दरबार डीसी साहब ने यहाँ बराला के मकाम पर लगाया हुआ था, वहाँ मैडम शमशाद शान ने हमारे को बोला कि आप यहाँ थोड़ी बहुत स्पीच करो, और हमने वहाँ हक की आवाज़ को बुलंद किया था। उस हक की आवाज़ को बुलंद करने का हमको नतीजा दूसरे दिन 21 मार्च को रात को ही मिला कि हमको कंपनी से निकाल दिया गया। हम 32 लोग हैं जो अभी तक कंपनी के बाहर हैं। और उसके बाद मैडम शमशाद शान ने लोगों को कहा था कि हम यहाँ रोज़गार देंगे, रोज़गार देने के बजाय उनने क्या किया कि अपना बेनिफिट लिया, अपने वर्क ऑर्डर करवाए और यहाँ के लोगों को रोज़गार किसी किस्म का नहीं मिला और यहाँ के लोगों का रोज़गार छीन लिया। उसके बाद आज तक हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा है, ना तो चेयरपर्सन के पास जाते हैं तो वो कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो अब अपना काम करना है, अभी मैं जीती हुई हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा। और डीसी साहब ने भी हमको ये आश्वासन दिलाया था कि अब जो भी फर्दर कार्रवाई होगी वो मैडम शमशाद शान ही करेगी, तो इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैडम शमशाद शान ने 150 लोगों को अब कंपनी में मार्च के बाद 150 लोगों को भर्ती करवा दिया और यहाँ के हम प्रॉपर वहाँ के रहने वाले हैं, मेरे घर के पास है कंपनी, 1 मीटर का फासला है पटेल का ऑफिस और मेरे घर का डिस्टेंस 1 मीटर का डिस्टेंस है हमें।